इसकी शुरुआत हम लोगों ने 3 साल पहले की थी। सुभाष मलिक साहब हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं और फाउंडर मेंबर हैं अयोध्या की रामलीला के। वो वहाँ से शुरुआत करके आज तीसरे, इस साल तीसरे वर्ष हम लोग वहाँ पे रामलीला करेंगे। और सारे फिल्मी कलाकार, राकेश भाई हैं, गुफी जी हैं, राहुल है, और भी काफ़ी लोग होंगे, बिंदु दारा सिंह हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, भाग्यश्री भी है, जी सर भाग्यश्री का रोल कर रहे हैं, और मैं हमेशा की तरह रावण भूमिका में नजर आऊंगा आपको। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, क्योंकि पिछले साल मेरे ख्याल 25 करोड़ लोगों ने ये रामलीला देखी थी, और इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उस टारगेट को और ज्यादा बढ़ाया जाए, 30 करोड़ या 35 करोड़ लोगों तक ये रामलीला ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड पहुंचे, ये हमारी आशा है इस बार। तो आप सबके साथ के लिए गुजारिश है, और ख़ास तौर से हमारे सुभाष मलिक साहब की बहुत मेहनत है इसमें। इन्होंने बहुत ही मतलब मशक्कत करके इस रामलीला को, अयोध्या की रामलीला इन्हीं का कॉन्सेप्ट था और उसको यहाँ तक पहुँचाया है। एंड मैं राकेश भाई से गुजारिश करूँगा कि आपकी कुछ रोशनी डालें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुझे आपको, मैं ये कहूँ कि इसमें रावण का रोल मैं कर रहा हूँ इस साल, ये नहीं कर रहे तो आप ऐसे हंसेंगे जैसे हंस रहे तो मैंने हंसाने के लिए आपको ये डाला, क्योंकि आप मेरी बात को मानेंगे ही नहीं। तुम्हें घूसा मारते हो तो हमको यकीन नहीं होता तुम तीर वीर कैसे मारोगे यार। एनीवे, तो दोस्तों ये आपके सामने हम बैठे हैं और तीसरा साल है ये हमारा, और ये बॉबी मलिक जी, सुभाष मलिक, उस सुभाष मलिक का ये विजन है इनका, और विजन है इसलिए टेलीविजन पे आता है, विजन टेलीविजन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। तीसरा साल है ये, तीसरा संस्करण है, तीसरा एडिशन है ये मैं कहूँगा। और एक बड़े, आप बिलीव नहीं करेंगे कि दिल से बड़ी ये खुशी होती है, एक एक तृप्ति का एहसास होता है जब हम रामलीला, तो मैंने पहले दिल्ली में भी की थी, सुभाष जी के सौजन्य से ही की थी, लेकिन एक अयोध्या में करने के बाद जो एक फीलिंग एक आती है, एक अलग सी, कि यार अयोध्या में जाकर हम रामलीला कर रहे हैं। और आप बिलीव करेंगे जो उसका वेन्यू है, उसके बिल्कुल लगते हुए वो सरयू नदी बह रही है, यू नो, जिसकी आवाज़ भी आती है, जहाँ हम शाम को आरती के लिए चले भी जाते हैं शो से पहले और बाद में भी जाते हैं, तो ये एक अजीब सा एक एटमॉस्फेयर ऐसा जो कि दिल को बहुत छूता है, तो इस तरह से एक एक फीलिंग आती है। और सब हमारे जो कलाकार हैं, सुभाष जी लेते हैं, वो सभी हम लोग बड़े पुराने कोलीग हैं, सब लोग वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, तो बड़ा मज़ा आता है, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है, सुभाष जी का इंतज़ाम बड़ा अच्छा होता है, और जैसे मेरे इन्होंने कहा अभी शाहबाज ने कि बहुत करोड़ों की संख्या में लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, और इस बार हमें लगता है कि जैसे 30-35 करोड़ तक ये आंकड़ा शायद पहुँचे, और ये बच्ची है इसमें, इसका पहला इसका एडिशन है, ये इसमें फर्स्ट टाइम सीता का रोल कर रही है, बाकी अपने बारे में खुद बोलेगी। हाँ,
हाय मैं दीक्षा, मेरा नाम दीक्षा रैना है और मैं फर्स्ट टाइम सीता प्ले करूंगी अयोध्या की रामलीला में। एंड एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, इतने दिग्गज लोगों के साथ मैं परफॉर्म करूंगी। और सबसे बड़ी बात अयोध्या में करना, ये रामलीला बहुत बड़ी बात है। बर्थ प्लेस है लॉर्ड रामा का और वहाँ पर एक तरह से एक अलग ही वो एनर्जी मिलती है उस प्लेस से, तो वो मैं वो एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ देखते हैं I'm sure she'll do a fantastic job. There's no doubt. She's a brilliant actor. बहुत अच्छी कलाकारा है, अदाकारा है और बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के राष्ट्रीय लेवल के प्लेज में काम करती हैं। और इस बार हमारा ये सौभाग्य है कि दीक्षा हमारे साथ अयोध्या जी की रामलीला के साथ जुड़ी हैं और माता सीता का रोल कर रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और ये रामलीला अपने आप में एक स्टार स्टडेड रामलीला है जिसके आयोजन आयोजक चीफ आयोजक श्री बॉबी मलिक जी हैं, सुभाष मलिक जी, जिनको प्यार से बॉबी कहते हैं। और बॉबी का एक सबसे बॉबी की सबसे प्यारी बात ये बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, किसी भी टाइप का जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में जो ये हैं किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और वो कहते हैं कि सेल्फलेस भावना के साथ ये रामलीला का मंचन करते हैं, सेल्फलेस भावना के साथ, और इनके मन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्री राम का प्रकार विचार और आचार होता है जिसकी वजह से ये उस रामलीला को उस मंच तक लेकर के जाते हैं और रामलीला के दरबार में जा कर के रामलीला करते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पूरे विश्व में राम भक्त हैं, पूरी दुनिया में राम भक्त हैं मैं ये कहूँगा, और उसमें राम जन्मभूमि अयोध्या जी, और अयोध्या जी में भी सरयू नदी का जो किनारा है जहाँ पर लक्ष्मण किला है, जहाँ पर हम इस रामलीला का आयोजन करते हैं, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया जैसे शहबाज भाई ने आपको बताया। तो ये हमारे आई थिंक हमारे पिछले जन्म की कोई कर्म होगी जिसकी वजह से हम लोग वी आर द चोजन वंस, हमारा भगवान ने हमारी स्वयं नियुक्ति करी है कि आप हमारा किरदार निभाइए। जैसे मैं श्री राम जी का किरदार निभाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर उन्हीं का जो आशीर्वाद है वो दिखता है जिसकी वजह से मैं इसको कर सकता हूँ। नहीं तो हम लोग सिर्फ कलाकार हैं, हम लोग किसी लायक नहीं है। भगवान का किरदार निभाने के लिए आपको भगवान से अनुमति चाहिए और भगवान आपको स्वयं अनुमति देते हैं, तभी आप इस किरदार को निभा सकते हैं या सोच भी सकते हैं कि आप इस किरदार को निभाएंगे। इस बार हमारे साथ गोफी पिंटल सर हैं जो इस रामलीला से जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं अयोध्या जी की रामलीला से। तो गोफी जी अपने बारे में बताएंगे और क्या किरदार निभा रहे हैं वो बताएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी उन्होंने गुजारिश स्वीकार करी और इस बार इस साल गोफी जी हमारे साथ दूरदर्शन पे मंचित होंगे और दिखेंगे। गोफी जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि मलिक साहब ने मुझे ये किरदार दिया है, यानी नारद मुनि का सॉर्ट ऑफ प्रमोशन हो गई है, क्योंकि शकुनी से नारद मुनि बन के नारायण कहना, क्योंकि भांजे भांजे अभी तक कहता था, अब नारायण नारायण कहूँगा, तो प्रमोशन हो गई है मेरी। और जैसा कि मैंने सुना है, बेदी साहब ने भी कहा है और शाहबाज ने कहा है कि करोड़ों की जनता ने देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद दो चार पाँच मेरी वजह से भी जुड़ जाए साथ में। तो 2005 करोड़ यस सर, और बहुत ही मजा आएगा क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं और सारे कलाकार मलिक साहब बॉम्बे से ही लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और हमारे साथ खास करके राहुल बुचर जी हैं और मुझे आई एम एक्साइटेड, लेट्स होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। और ये जो हमारी इस साल की जो स्टार स्टडेड रामलीला होगी अयोध्या जी में, इसमें शूभनखा के किरदार में एक बहुत ही उम्दा कलाकारा दीप्ति कुमार हैं इस बार हमारे साथ, और सुलोचना का भी किरदार निभाएंगी। ये दो किरदार निभा रही हैं क्योंकि जो अच्छे एक्टर होते हैं वो दो दो निभाते हैं, हम एक भी निभाते हैं। तो दीप्ति कुछ बोलना चाहिए, एक भी निभाया जाता है। जी मैं सुलोचना का किरदार निभाऊंगी, मेघनाथ की वाइफ है जो, और शूभनखा का भी किरदार निभाऊंगी। अच्छे किरदार हैं, आई एम वेरी लक्की एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रामलीला। मतलब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस अयोध्या की रामलीला का पार्ट बन रही हूँ पहली बार,
somehow situation ऐसी हुई, तो I feel that God has chosen me for this and मैं बहुत ही excited हूँ because अयोध्या I think मैं पहली बार visit करूँगी और वहाँ पर रहूँगी और spiritual जगह में मतलब I'm sure it is going to add a lot of you know value to my career and my life. हाँ, even spiritually भी I'm sure मैं बहुत कुछ gain करूँगी इससे. So I'm very very excited for this. हमारे साथ हमारे सहयोगी राज माथुर जी साहब भी हैं जो अयोध्या जी की रामलीला को पिछले 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं और भारी सपोर्ट देते हैं, लेकिन पिछली बार इन्होंने भरत जी की भूमिका भी निभाई थी. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे काफ़ी सीनियर कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं. शहबाज भाई, बेदी जी, राहुल जी, गोफी जी, मेरे को इन सब के साथ करने का मौका मिल रहा है. पिछले 2 सालों से मैं ये व्रत करने में आ रहा हूँ और अयोध्या में करने का इसका अपना एक अलग मजा है भगवान राम की धरती पे. और ये सब संभव हुआ हमारे प्रोड्यूसर श्री सुभाष मलिक जी के प्रयत्नों से, जो इतनी दूर जाकर के इतना बड़ा मंच हमने बनाया जिसकी देश विदेश में हमारी बहुत सराहना होती है. और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये फिगर 20 करोड़ से पार कर गई है और भविष्य में मैं उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा हम लोग करेंगे. सोशल मीडिया पर एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, रुकता नहीं है, 24 घंटे चलता रहता है. और भगवान राम के भक्त 24 घंटे कोई किसी कोने में देखता है, कोई किसी कोने में, दुनिया के हर कोने में उसको देखना. थर्ड ईयर आपका ये थर्ड ईयर ये चयन कैसे किया आपने, कैसे जैसे राम गोपी जी भी आ गए, नारद जी के, रावण सावा जी, चयन कैसे हुआ ये? सर मेरे को ऐसा लगता है भगवान श्री राम का आशीर्वाद था और मैं फिल्म देख रहा था, भगवान उसको पूरा कर रहे थे, जो सोचा वो हो गया. सर दूरदर्शन कभी आज तक कोई रामलीला उन्होंने लाइव नहीं दिखाई, पर अयोध्या की रामलीला को उन्होंने आशीर्वाद दिया, दिखाई तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. उनके ये वर्ड्स थे जी जी साहब के कि रामायण के बाद सबसे ज्यादा जो हमारी एड व्यक्ति है वो रामलीला की व्यक्ति और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. टफ लगा ना, क्योंकि उसको दो दौर था, जब रामायण और महाभारत, फिर हिंदू या मुस्लिम कोई भी सारे लोग देते थे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सब मिक्स थे. हाँ. और कोई वहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, इतना प्यार मोहब्बत. और सर आपको रानी होगी कोरोना काल के अंदर रामलीला हुई और किसी को भी कोरोना नहीं हुआ और इतनी भीड़ हो जाती थी, पर भगवान का आशीर्वाद था, सब ठीक. सावज भाई ने बहुत मेहनत करी, माधु साहब अपने आप में एक बहुत खूबसूरत करेक्टर हैं जी. और उन्हें भगवान कहा जाता है भगवी, तो और वो जो कुछ भी करते थे, चाहे वो चाहे इधर से उधर करते थे बातें, लेकिन उसमें भी मानवता की कुछ अच्छाई छुपी होती थी. उस समय मीडिया का रोल नारद जी निभाते थे. मीडिया का रोल नहीं निभाते तो यहाँ बुला लेंगे पीछे एंटीना भी होता था. मैम आप बताइए कि जिस तरह का कैरेक्टर आपको दिया है, तो किस तरह से कैरेक्टर आपको मिला, आपने ऑडिशन दिया था, क्या किया था? जी मैंने ऑडिशन ही दिया था, जैसे मैं सर के साथ ऑलरेडी प्लेस करती आई हूँ, तो उसके थ्रू ही सर ने मुझे मुझ में कुछ देखा, तो सर ने सर को लगा कि हाँ शी इज़ केपेबल फॉर डूइंग सीता का रोल, तो वैसे ही मुझे मिला. और आगे चलकर मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ उस रोल के लिए और ऑब्वियसली इतने बड़े वो स्केल पर हो रहा है ये, तो हाँ ये थोड़ी हम्बल है, बता नहीं रही हैं. ऑल ओवर इंडिया से 22 लड़कियां सीता जी के रोल के लिए चुनी गई थी और 22 लड़कियों में 5 लड़कियां सिलेक्ट हुई, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, हिंदुस्तान के हर स्टेट से हम लोगों ने कोशिश करी. जैसे यूपी से 4 लड़कियां आई थी, राजस्थान से थी, तमिलनाडु से भी थी, तो कर करा के, एंड ये J&K जम्मू कश्मीर से हैं खुद, तो फाइनली जब इन्होंने ऑडिशन क्रैक किया तो कमेटी एक बैठी जिसमें 4 लोग थे, उन्होंने इनका सिलेक्शन किया एंड शी वाज एंड शी विल बी द बेस्ट सीता, देयर इज नो डाउट. सर जब आपने सिलेक्ट किया तो आप दोनों ने भी पूरा सर्च किया होगा इसके बारे में, क्योंकि जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं ये बॉलीवुड का कैरेक्टर तो नहीं है कि चलो आए पर्दे के सामने, आपने कितना स्टडी किया दोनों ने इस? मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को लेकर
जो मैंने पिछले साल भी इसी कैरेक्टर को निभाया था, और अगर आप दूरदर्शन पे आज भी देखेंगे तो थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी, पूरे पूरे एपिसोड्स हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और कैरेक्टर निभाने की कोशिश करी, और ऐसा मेरे को क्रिटिक्स ने भी बोला और जो मेरे शुभचिंतक हैं उन्होंने भी बोला कि मैंने अच्छा निभाया। और इस साल देखो, भगवान राम जी का जो कैरेक्टर है उसके अंदर आप जितनी रिसर्च करो वो कम है, इट इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया, वो तो चलती जाएगी, और जितना अपने अंदर आप खोज करते रहोगे राम जी की, उतनी वो खोज और गहरी होती चली जाएगी। सो ये तो आपके ऊपर है, आप कब अपनी तसल्ली करके फुल स्टॉप लगा दोगे, नहीं तो अगर आप खोज करने पे आओ तो आपका ये जो एक लाइफ टाइम है, एक लाइफ स्पैन है, वो ही कम पड़ जाएगा राम जी की खोज में। अच्छा मैम, जब आप सिलेक्ट हुए थे ये इसको लेके, तो घर वाले का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि जो रोल निभा रहे हो सीता का, तो घर वाले का रिएक्शन क्या था? वो तो खुशी से, मतलब लाइक उनके लिए ऐसा रोल प्ले करवाना, मेरा रोल प्ले ऐसा करना उनके लिए तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, कि अच्छा तू सीता प्ले करेगी, तू सीता प्ले करेगी, मतलब सच में वो लाइक दे वर पिंचिंग देयर सेल्फ कि सच में तुझे ही सीता प्ले करना है ना। मैंने बोला हाँ मैं प्ले करूँगी, एंड हाँ घर वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि अयोध्या में जाकर मैं ये ऐसा रोल प्ले कर रही हूँ, और वो तो मुझे बोलते कि हम भी चलेंगे तेरे साथ, हम भी अयोध्या का वो फील लेना चाहते हैं एक बार। मैंने बोला हाँ श्योर, हम मतलब लेकर चलूंगी मैं आपको और पूरा आपको दिखाऊंगी सारा राम रामलीला। देखिए वैसे भी किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी जो उनके सामने बड़ी हुई है, बली है, वो सीता जी का, माता सीता का किरदार निभाएगी, और ऊपर से बॉबी जी के सौजन्य से पूरे दूरदर्शन में, पूरे विश्व में उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो वो जो भी माता सीता का रोल करेगी, जो भी इसमें कोई भी रोल करेगा, वो रातों रात आई थिंक एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी पाएगा, और भगवान आशीर्वाद राम जी का उनको मिलेगा। अरे बहुत डिफरेंट मिल गया भाई। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्ष्ये मां मृतात्। क्या बात, जटाडवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले किशोरचंद्र शेखर दगद 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 चवल्ल लाट पट्ट पावके किशोरचंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम् मम। ये डिफरेंट मिलेगा। रामण महापंडित था, अभी पूरा पंडित दिख रहे हैं। ये कला जो है पहले अरविंद जी, अरविंद जी शाबाश, कमाल कर। सर मैं आपको बता दूं, जब वहाँ पे शाबाश जी आते हैं और 10-11 दिन, 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, और होटल से 1 घंटा पहले निकलते हैं रामलीला के लिए, और फिर होटल के रूम में घुसाते, फिर निकलते नहीं है सर, रिहर्सली लगी होती है इनकी, और कोई इसको अलाउड नहीं करते अंदर, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया अपना, मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्टर के लिए जो मतलब इस तरह के रोल्स करता है, रावण इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल्स इन एन एक्टर्स लाइफ। रावण का किरदार ऐसा खतरनाक किरदार है, कुछ किरदार है दुनिया में नेगेटिव जिनका कोई मुकाबला नहीं है जी, बिल्कुल, जैसे नमरूद है, या जैसे 10 कमांडमेंट्स में राम की जो पत्नी सीता है उनका हरण किया, उसको वहां रखा, लेकिन उसको जितने दिन रखा इज्जत से, बिल्कुल उस पर बुरी नजर नहीं डाली, और सीता के कक्ष में कभी गया भी नहीं कि मैं किसी गलत इंटेंशन से वहां जाऊं और उसको किसी, वो उसका एक अलग मोटिव था, उसको उसकी बहन की बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लिया वो, और क्योंकि ज्ञानी आदमी विद्वान, और रावण जो है रावण बहुत ही ज्यादा इंसान था, और वो मतलब लार्जर देन लाइफ होने के साथ साथ बहुत ही मतलब रियलिटी से जिंदगी की जुड़ा। मैंने वो बुक पढ़ी है रावण, अनिश की, बहुत खूबसूरत बुक है उसका, उसमें रावण का एकदम अलग टेक है, आप लोगों को मौका मिले तो पढ़िएगा। और वैसे एक बात बताऊं आपको, जो इस रामलीला में जो हालत हम करने वाले हैं लंका की, वही आज हो रखी है उसकी।
सर थोड़ा थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए ना सर। सोने की लंका बजाई, डूब गई। सर आप थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। क्या करता हूं आपके कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए आपके। अब मेरा देखिए, मैं तो हरफन मौला हूं। मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं सुभाष जी के लिए स्टेप नहीं हूं। अरे सर नहीं कर रहा हूं मैं स्टेप नहीं हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कौन सा रोल या कौन कौन से रोल करने वाला हूँ। मुझे मैं वहां जाता हूँ, मुझे तीन चार करेक्टर पकड़ा देते हैं कि आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। Not Ravan, sir. नहीं दिया। अच्छा इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रावण का ही है। राम से बढ़ के भी रावण का ही है, क्योंकि लोग रामायण इसके लिए देखेंगे रावण का रोल कैसा है, ठीक है नहीं तो कुछ चेंजेस होगा इस बार। नहीं देखिए एक बात हमेशा याद रखिए सर के हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा विलन होता है। ये तो है। और विलन से ही हीरो, अगर विलन छोटा है तो हीरो भी छोटा ही है, विलन से ही हीरो बनता है सर। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे रामायण इज सो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कि मैं मुझे याद है हम बहुत छोटे थे बचपन में दिल्ली में जब रहते थे तो हमारे माँ बाप हमेशा उंगली पकड़ के हमको हर साल जरूर दशहरे में ले जाते थे और रामायण दिखाते थे। अब वो हर साल सेम चीज चाहे वो, लेकिन वो एक जैसे रक्त का स्राव होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, इसी तरह रामायण हमारे अंदर रग रग में है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हर भारतीय को और हर भारतीय बच्चों को ये दिखाई दे, पढ़ाई दे। मैं आपको सच्ची बताऊं, इन्होंने बहुत सही बात की भूति साहब ने। जब मैं छोटा था ना तो मेरे घर के बगल में एक छोटा सा मतलब एक कस्बा सा था दिल्ली में, ग्रेटर क्लास के बिल्कुल बगल में जमरूदपुर, यू नो। तो वहाँ पर रामलीला होती थी जब मैं शायद 5-6 साल का था। तो जब मैं वहाँ पर देखता था और जब वो कॉस्ट्यूम पहनकर आते थे स्टेज के ऊपर, राम लक्ष्मण राम सब आते थे, तो मेरे परखच्चे उड़ जाते थे। और उसके बाद में जब लोग उनको घेरते थे तो मुझे लगता था यार ये कितने बड़े स्टार हैं, ओ बाप रे सारा का सारा गांव इनको मतलब भाव, क्योंकि एक तो राम तो थे ही, राम का करेक्टर है उठा रहे हैं तो और भी ज़्यादा उसकी आओ भगत होनी थी। तो मैं मेरा जो अगर मैं सही माने में कहूँ कि मेरे अंदर जो एक्टर बनने का कीटाणु पहला वो रामलीला ने बोया है। सुबह सुबह जी हनुमान जी का कास्ट एक्टर होता है, हनुमान जी कौन? हनुमान जी हनुमान जी का रोल अपने पिता की विरासत को उन्होंने संभाला है और बहुत अच्छे से करते हैं। भगवान राम से बड़े उनको बड़े रुख से देखते हैं ये। और मैं आपको एक बार मेदी साहब का किस्सा सुनाता हूँ जी। सेम डे आए, रामलीला थी हमारी दिल्ली में हो रही थी, सर को मैंने एयरपोर्ट से लिया और सर का सीधे एंट्री थी और सर ने कोई ऐसा नहीं कोई वो नहीं, गाड़ी के अंदर ही मुझे याद है और मैं डायरेक्टर को लेके जाता हूँ, स्क्रिप्ट सर को याद ला रहा था और मेदी साहब जैसे ही स्टेज पे गए एकदम ड्रेस पहनी ऐसे लग रहा है फिल्म चालू हो गई। अच्छा तो जी हम तो फैन है मेदी साहब के, बहुत बड़ी बात नहीं यार, जितने बड़े सब सबके फैन हैं।